तो देखिए दोस्तों, ये जो चापाकल है, ये जो चेन टूट जाता है, चेन टूटने का कारण दो तीन कारण है दोस्तों। क्योंकि जब आप चलाते हो अचानक चेन टूट जाता है और बैरिंग टूट जाता है, जैसे कि आपका बैरिंग खराब हो जाए। जैसे हैंडपम्प का आपका कैसे आप रख सकते हैं अच्छे से, वो आपको बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को भी कंटिन्यू बने रहे। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि हैंडपम्प की जो चेन ना टूटे, बार बार टूट जाता है, लगाते हैं न्यू और बार बार टूट जाता है और बैरिंग भी टूट जाता है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को भी कंटिन्यू बने रहे दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको चेन हम दिखाते हैं किस तरह कंडीशन में है। चलिए पहले सिलाई रेंज आपको ले लेना है और यहाँ इसका कैप स्विच चापाकल का कैप खोलना है दोस्तों। चापाकल का कैप नट जो है को खोल लिए और इस तरह निकालना है। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जो भी चेन है, ये हैंडपम्प का चेन है, तो ये टूट जाता है। टूटने का रीजन यही है दोस्तों, क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा बहुत है, इसी कारण से अभी नहीं टूटा, नहीं तो टूट गया था। दो बार चेन टूटा है, थोड़ा बहुत देखिए आप ऑयल है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सप्ताह या तो 15 दिन या तो महीना भर इसमें आपको चेन में ऑयल लगाना है। ठीक है दोस्तों, चेन में आप ऑयल बराबर लगाते रहे और जो बैरिंग अंदर में रहता है उसको भी ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से क्या होता है दोस्तों कि आपका चेन नहीं टूटता है इतना जल्दी। देखिए बहुत देखते हैं चेन टूटने का प्रॉब्लम आता है, इसलिए वो टूटा था यहीं पर, इसीलिए हम ऑयल थोड़ा बहुत लगा दिया, फिर से लगा रहे हैं ऑयल, क्योंकि हमको ऑयल लगाना ही है और बैरिंग भी ऑयल देना है। बैरिंग में ऑयल देने से आपका क्या होगा दोस्तों, चेन बैरिंग जो रहता है वो नहीं टूटेगा उतना, वो बैरिंग सुरक्षित रहेगा, थोड़ा बहुत ऑयल मिलते रहेगा तो अच्छा रहेगा। चलिए इस तरह को आपको ठीक है, इस तरह ऑयल जो देने वाला आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा दोस्तों, आप ऑर्डर कर सकते हैं, वही 150 रुपया आता है ऑयल कैन, आप मंगा सकते हैं। और इसमें क्या होता है, सुविधा अच्छा होता है देने के लिए, आप बैरिंग में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरा बैरिंग है, यहाँ आप घुसा लिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, सुविधा नहीं ये दोस्तों, इस तरह करके ऐसे ठीक है, इस तरह करके ऑयल दे देना है। ऑयल देने से क्या होगा, आपका बैरिंग नहीं टूटेगा बार बार, जिसका बैरिंग टूट जाता है बार बार वो ऑयल लगा दे थोड़ा बहुत करके, ज़्यादा ना लगाएं, जैसे वहाँ पहुँच जाए, जैसे कि मेरा पहुँच गया। और चेन भी ऑयल लगा देना है यहाँ, जैसे कि इस तरह करके आपको थोड़ा बहुत करके ऑयल दे देना है, ज़्यादा नहीं दे दोस्तों, कम ही दे देना है, क्योंकि अच्छा रहेगा, आपका चेन बार बार नहीं टूटेगा। चलिए देखिए दोस्तों, प्रॉपर ऑयल दे दिए और ऑयल देने से देखिए कितना अच्छा खिल रहा है और बैरिंग भी आवाज़ नहीं कर रहा, आवाज कर रहा था दोस्तों, इसीलिए ऑयल हम दिए इसमें। चलिए अब लगाते हैं इसका कैप, ठो लगाते हैं नट। आपको इसी प्रकार 15 दिन में या तो महीना भर में ऑयल दे देना है, बैरिंग में और चेन में। आपका हैंडपम्प जो है नहीं चेन टूटेगा, बैरिंग भी नहीं टूटेगा, अच्छा चलेगा। और देखिए तो हैंडपम्प का बैरिंग किस तरह फिटिंग करें, वीडियो का लिंक मिल जाएगा आई बटन में, आप देख सकते हैं जाकर। और जो यहाँ पर देखिए सबमर्सिबल लगा हुआ है, किस तरह फिटिंग कर सकते हैं, तो वही मिल जाएगा आई बटन में, आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों किस तरह फिटिंग हुआ था, कितना खर्चा आया था। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।